अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से टिकटॉक पे एक्सेस ले सकते हो और अपने टिकटॉक अकाउंट के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक्सेस ले सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक के उस अकाउंट का जिसमें आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी एक रहा है, मैंने भी टिकटॉक ऐप यूज़ की है, मैंने भी अर्निंग की है और मैं अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने ज़्यादा अर्निंग नहीं की है क्योंकि मैंने स्टार्ट ही लिया था और किस तरीके से लिया वो भी आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वीडियो के अंदर बहुत जरूरी है, अगर आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको वीडियो के अंदर आगे काम आने वाला है। आप सबसे पहले अगर मेरी पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरा ख्याल है टिकटॉक और यूट्यूब बेस्ट ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो इस 2023 के अंदर। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको पता है इस तरीके यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगता है बट अर्निंग बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा अर्निंग है और टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर आपको एक्सेस मिल जाता है तो बहुत जल्दी आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, विद इन 5 डेज आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके ऊपर है कि आप कितनी अर्निंग करते हो। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि क्या तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या किस तरीके से हम इस एक्सेस ले सकते हैं टिकटॉक ऐप के अंदर। सबसे पहले एक तरीका मैं आपको फ्री बताने वाला हूँ और एक तरीका मैं आपको पेड बताने वाला हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग फ्री वाले के चक्कर में पड़ जाओगे क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो फ्री में एक्सेस ले किसी भी ऐप का, ना तो पे करके ले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टिकटॉक का एक छोटा सा मतलब सिस्टम है, एक एल्गोरिथम है कि अगर आप कुछ कॉइन्स वगैरह बाय करते हो टिकटॉक से, ठीक है, तो आपके अकाउंट पे मतलब थोड़ा रीच बढ़ जाती है। मींस ये है कि अगर आप एक सेंडर हो ना कि एक होस्ट हो तो आपके अकाउंट पे रीच वगैरह पड़ती है, आपका अकाउंट थोड़ा सा मतलब लोगों को एक्सप्लोर, जो लोग एक्सप्लोर करते हैं दूसरे अकाउंट्स को, वहाँ पर आपका अकाउंट जो है ऐड होता है तो आपको थोड़ा सा रीच वगैरह मिलती है। और साथ ही साथ आप कॉइन्स वगैरह अर्न करते हो, मतलब खरीदते हो, परचेज करते हो, तो आपको फिर जो है उसके अंदर कुछ काफ़ी बेनिफिट्स भी होता है। मतलब ये होता है अगर आप किसी की प्लॉट पे जाते हो तो आप उसे सेंड वगैरह कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉइन्स की प्राइस भी कोई इतनी महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से अराउंड 100 रुपीज़ के अंदर भी आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कॉइन्स को यहाँ साइड में रख के हम बात करते हैं कि क्या मेथड है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने सिम के बारे में सुना होगा, यूके सिम और दुबई की सिम, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सिम की। अब सिम किस तरीके से आती है, अब आप बोलो कि सिम कहाँ से अरेंज करेंगे या सिम कैसे लाएं, तो सबसे पहली चीज़ उसी की नहीं मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक होती है फिजिकल सिम और एक होती है वर्चुअल सिम। अब मैं आपको डिफरेंसेस समझा देता हूँ, व्हाट इज वर्चुअल सिम एंड व्हाट इज फिजिकल सिम। सो दोनों चीज़ों का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वर्चुअल सिम इस तरह की सिम होती है कि एक वेबसाइट के थ्रू आपने परचेज करनी होती है, जिसमें सिम का आपको कुछ एक्सेस आपको वो दे देते हैं और साथ ही साथ जो भी ओटीपी आपको रिसीव होगी, कभी भी आप कोई भी ऐप में मतलब लॉगिन करते हो, व्हाट्सएप लॉगिन करते हो, इंस्टा लॉगिन करते हो, फेसबुक कुछ भी लॉगिन करते हो, आप अमेजोन वगैरह कोई भी अकाउंट बनाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी और आप इजीली लॉगिन कर पाओगे। तो ये होती है वर्चुअल सिम, जो आई डोंट थिंक सो कि सेव होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी मतलब वर्चुअल सिम में ये होता है यार आपकी ओटीपी एक वेबसाइट के थ्रू आ रही है, अगर वो वेबसाइट आपकी ओटीपी को रख ले और आपका एक्सेस आप उसके पास चला जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी वर्चुअल सिम को लेके, ना ही मैंने कभी यूज़ किया है। अब बात करते हैं फिजिकल सिम की, तो फिजिकल सिम किस तरीके से मिलती है और फिजिकल सिम का क्या सिस्टम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फिजिकल सिम इस तरह की होती है कि फिजिकल सिम जैसे हम नॉर्मल सिम हमारी जोंग की, जैस की, वारिद की, यूफोन की, जिस तरह से पाकिस्तान में जो भी सिम चलती है, इवन पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी जो सिम चलती होगी, उस तरीके से आपने नॉर्मल एक सिम कार्ड को अपने फोन में लगा लेना होता है। ठीक है, लगाने के बाद क्या होता है, सिंपल से आपको मतलब सिम आपके जब फोन में लग जाती है तो उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक बंद सिम भी लोगे ना, इवन एक बंद सिम भी अगर आपके पास है दुबई की या कहीं भी यूके की कोई भी कंट्री की, अगर आपके पास एक बंद सिम भी है ना, सिर्फ आपने क्या करना है अपनी कोई भी पाकिस्तानी सिम या कोई भी किसी कंट्री से भी, आप वीडियो कभी भी देखो रहे हो उस वीडियो को, मुझे नहीं पता कब कौन किस टाइम इस वीडियो को देखेगा, कोई भी अगर देख रहा होगा तो मैं यही कहूंगा कि आपने जो अपनी नॉर्मल सिम जो आप यूज़ करते हो वो सिम आपने निकाल देनी है उस फोन से, आपने सिर्फ वो फिजिकल सिम लगानी है अपने फोन में और आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ आप वीपीएन कनेक्ट करोगे तो शायद आपको एक्सेस मिल जाएगा, बट विदाउट वीपीएन भी एक्सेस मिल जाता है अगर आपके पास एक फिजिकल सिम है। अब बताता हूँ फिजिकल सिम किस तरीके से ले सकते हो। तो अब यहाँ पे पेड मेथड की बात करते हैं, तो पेड इस तरीके से कि फिजिकल सिम आपको कई वेबसाइट्स पे मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट्स बहुत सारी हैं तो वेबसाइट्स स्कैम भी करती हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट आपको फिजिकल सिम देंगी और बोलेंगी कि ये मतलब ऑन सिम है और बाकी ऑन आपको देंगी, वो ऑन करके देंगी, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करके देंगी, ओके करके देंगी, लेकिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने में वो सिम शायद बंद हो जाए, हो सकता है मे बी। अब मुझे नहीं पता ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं कि भाई ये सिम बंद नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर कोई लोड या पैकेज नहीं करना पड़ता आपको पूरा साल, तो ये पूरा साल 6 महीना चलती है। तो इस तरीके की काफ़ी सिम आती हैं जिसमें से एक गिफ्टगाफ भी है, गिफ्टगाफ का मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपको जो पिक्चर लगा दूंगा गिफ्टगाफ, तो गिफ्टगाफ की जो सिम आती है ये भी आपको इजीली मिल जाती है, इसके अंदर भी आपको 3 से 6 महीने कुछ भी नहीं करना पड़ता और आपकी सिम ओके रहती है। और कहीं वेबसाइट इसको दे रही है, मतलब कहीं वेबसाइट काफ़ी वेबसाइट्स पे इसको लोग सेल कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेल तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो सेलर आपको मतलब कभी भी मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करो, एडवांस पेमेंट नहीं करो, आप अपना एड्रेस जो है वो इन लोगों को सेंड करो, उसके बाद उन लोगों से पूछो
कि भाई मेरी ये मेरा एड्रेस है और यहाँ मुझे डिलीवर कर दें, तो वो अगर मान जाते हैं तो इट मींस कि वो फ्रॉड या स्कैम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग स्कैम करते हैं थ्रू एडवांस, एडवांस लेते हैं सबसे पहली चीज़, उसके बाद फिर आपको वो कॉन्टैक्ट भी नहीं करेंगे, आपका एडवांस पेमेंट ज़ाया हो जाएगी और आपके पास कोई सिम नहीं आएगी। और साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो आपको बोलेंगे कि ये सिम पूरे साल के लिए एक्टिव रहेगी और इसकी प्राइस नॉर्मल गिव कार्ड से बहुत कम, बहुत ज़्यादा हाई है। अराउंड मैं आपको बताऊँ बहुत महंगी महंगी सिम भी मिलती है, मैंने अपने खुद देखी है, मुझे पता है 10,000 तक की भी सिम आती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करके देखता हूँ या फिर मैं 10,000 में कोई अच्छी सिम लेता हूँ, नॉर्मल सिम नहीं लेता हूँ। तो आप ऐसा सोच के अगर कभी भी कोई सिम ले रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करता। फर्स्ट टाइम अगर फिजिकल सिम लेने जा रहे हो तो आप एक वेबसाइट पर ट्रस्ट करो। सबसे पहली चीज, एक वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो उस वेबसाइट पर भी आप जो है जाकर विजिट कर सकते हो, वेबसाइट ट्रस्टेड है। और साथ ही साथ उस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले तो पेमेंट करनी पड़ती है। अब सबसे आप इस चीज को लेकर शायद थोड़ा सा डाउटफुल होगी कि पेमेंट फर्स्ट करें और उसके बाद डिलीवरी हो या ना हो। देखो पॉसिबिलिटीज है कि आपको डिलीवरी होगी, क्योंकि वेबसाइट के आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, उस वेबसाइट पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिव्यूज़ मिल जाएंगी। साथ ही साथ इनकी एक टीम होती है, एक वेबसाइट में जो आपको बताने जा रहा हूँ उस वेबसाइट की एक टीम है, मतलब जिससे मैंने बात वगैरह भी की थी। तो वेबसाइट क्या करती है, बेसिकली वेबसाइट आपसे एडवांस पेमेंट लेती है बैंक अकाउंट के थ्रू। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उनको इजीली एक इनबॉक्स मैसेज कर सकते हो, तो वो अपनी पाकिस्तानी टीम से आपका कॉन्टैक्ट करवाएंगी। आप अपना नंबर उनको सेंड करोगे, उनकी पाकिस्तानी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई देगी और उसके बाद फिर आप उनको ईजी पैसा के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, या कोई भी पाकिस्तानी मैथड जो होता है जिसके थ्रू पेमेंट होती है वो आप उसके थ्रू कर सकते हो पेमेंट। और उसके बाद आप उनसे श्योरिटी के लिए कुछ पूछ सकते हो। वैसे तो वो श्योरिटी मैंने बात करके उनसे देखा था, तो उन्होंने यही मुझे कहा था कि आप पहले एक्सप्लोर करें सर, उसके बाद हमसे बात करें। तो मुझे काफी अच्छी लगी उनकी टीम, तो मुझे नहीं लगता कि स्कैम करेगी, बट मैंने अभी तक बाय नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि मैं उस वेबसाइट से भी सिम बाय करूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक फिजिकल सिम किस तरह से दिखती है, किस तरह से वर्क करती है और कौन सी वेबसाइट बेस्ट है जहां से आप फिजिकल सिम ले सकते हो, अगर आप इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहते हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। अब ये बात हो गई पेड वाली, अब मैं फ्री की बात कर लेता हूं। फ्री इस तरीके से कि अगर आपको कोई भी रिलेटिव या कोई भी कजन फ्रेंड आपका अगर बाहर रहता है, किसी भी आउट ऑफ कंट्री में रहता है, तो आप उसको सिर्फ उसका एक बार नंबर लगा सकते हो अपने अकाउंट के अंदर। सिर्फ आपने अकाउंट के अंदर उसका नंबर लगाना है और लोकेशन में जाके यूनाइटेड अरब अमीरात डाल दो या कोई भी लोकेशन डाल दो, ठीक है, और वीपीएन यूज करो। आप इजीली जितना मर्जी चाहो ना टिकटॉक पर लाइव जा सकते हो। इस मेथड के थ्रू मैंने किया था। मेरा एक कजन रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो मैंने उनका जो नंबर है वो अपने अकाउंट में ऐड करके वीपीएन के थ्रू एक्सेस लिया था। और मुझे आप यकीन नहीं करोगे, गिफ्ट्स में काफ़ी गिफ्ट मुझे टिकटॉक से मिले, और मुझे मैं वीडियो के लास्ट में कोशिश करूंगा आप लोगों को वो भी दिखा दूं कि जो मेरी रिसीविंग हुई थी, कुछ डॉलर्स वगैरह मैंने रिसीव किए थे, एक डॉलर मैंने रिसीव किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जितना टाइम दोगे उतने ज़्यादा डॉलर्स आपको मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्टिंग वगैरह आपको होती है, गिफ्टिंग के थ्रू आपके पास जो है वो कॉइन्स आते हैं, तो कॉइन्स के हिसाब से डॉलर बनता है। तो एक से दो डॉलर मैंने रिसीव किए थे और मैंने विड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि विड्रॉ शायद 10 to 20 डॉलर आप विड्रॉ कर सकते हो, तो जो कि मेरा ख्याल से मोर देन इनफ है। इतनी अच्छी अर्निंग अगर आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल की बुरी चीज़ है। आप अगर एक फिजिकल सिम लेना चाहते हो तो आप एक्सप्लोर करो, वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करो। साथ ही साथ अगर मेरी ओपिनियन से आप चाहते हो कि मेरे ओपिनियन से चाहते हो कि मैं कौन सी वेबसाइट आपको सजेस्ट करूं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इसके ऊपर एक अगली वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाते हो, इस वीडियो को सपोर्ट करते हो, तो उस अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ फिजिकल सिम के बारे में, या फिर मैं फिजिकल सिम आप लोगों के लिए परचेज करूंगा सिर्फ वीडियो के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फिजिकल सिम किस तरह से वर्क करती है। तो ये दो मेथड थे, सिंपल से, एक पेड था, एक फ्री था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट वीडियो आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस तरह से वीडियोस में आगे चल के लाता रहूंगा, तो आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की श्योरिटी के लिए आपको पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो $1.30 यहाँ पर मैंने रिसीव किया है, यानी $1.50 मैंने यहाँ पर रिसीव किया है, और आप लोग भी रिसीव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये वेबसाइट है गोल्डन ऑफिसेस के नाम से, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पर आप फिजिकल और वर्चुअल सिम खरीद सकते हो। इसकी प्राइस है 5,000 रुपीज़ के अंदर, आपको पाकिस्तान में किसी भी शहर में इजीली मिल जाएगी। तो ये वो वेबसाइट है गोल्डन ऑफिसेस, आप इसे सर्च कर सकते हो। सो ये जो गोल्डन ऑफिसेस वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो फिजिकल सिम को, और दूसरी गिवगाव भी आप परचेस कर सकते हो। गिवगाव भी एक वेबसाइट है, इसके थ्रू गिवगाव की सिम को आप परचेस कर सकते हो, जिसकी प्राइस 3,000 या 4,000 के अंडर आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी वेबसाइट के थ्रू पाकिस्तान के किसी भी शहर में। बस आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी और आप इसे परचेस कर पाओगे बहुत ही आसानी से।